गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल कवर द फ्रैक्शन हम फ्रिक्शंस बता रहे हैं चैप्टर नंबर एट ओके पेज नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ पेज नंबर है वन 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 हंड्रेड एलेवन ओके वन 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 ओके इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फ्रैक्शन हम फ्रैक्शंस कवर कर रहे हैं सो वॉट इज द मीन ऑफ द फ्रैक्शन मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं एट यार फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन होता है कोई पार्ट होल का ओके okay, यहां पर देखिए दिस वन इज अ होल हम अगर कोई पूरा है पूरी चीज है तो उसे हम कहेंगे होल इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो वन अपॉन वन होगा सेकेंड देखिए यहाँ पर एक सर्किल है उसको मैंने जस्ट हाफ कर दिया है और उसको एक पार्ट को शेड कर दिया है तो वन हाफ ज वन अपॉन टू हम इसको एज अ फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे वन अपॉन टू उसी तरह से यहाँ पर ये देखिए एक फ्रैक्शन उसके फोर पार्ट किए हुए हैं और एक पार्ट शेड है तो क्वार्टर ऐसे हम कहेंगे क्वार्टर या फिर वन फोर्थ सो वी विल राइट द वन अपोन फोर फ्रैक्शन का साइन जो होता है अगर हम फ्रैक्शन केसे कहेंगे कि अगर कोई भी डिजिट हो हम उसे क्यू अपोन पी के फॉर्म में या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रखें पी अपॉन क्यू यहाँ पे पी कुछ भी हो सकता है और क्यू कुछ भी हो सकता है तो ये वाला तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे सिंपली यहाँ देखिए वो सर्किल है उस सर्किल में मैंने टू पार्ट को शेड कर दिया और टोटल पार्ट है फोर तो टू फोर्थ तो ये जो फोर है ये टोटल को इंडिकेट करता है कि आपके पास पार्ट टोटल कितने हैं एंड ये टू पार्ट शेडेड पार्ट दिस वन वन टू थ्री एंड फोर पार्ट ऑल्सो फोर पार्ट वन टू थ्री शेडेड है दैट मीन इस थ्री फोर्थ थ्री बाय फोर इसको इस तरह से लिखते हैं थ्री डैश फोर्थ टी एच एस ओके सो थ्री बाय फोर्थ नाउ द वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल पार्ट कितने हैं एट दैन सिक्स पार्ट इसमें से शेड है सो वी विल राइट दिक्कस एट सिक्स बाय एट ओके वन टू थ्री इसमें थ्री पार्ट है सो वी विल राइट द वन थर्ड इक्वल टू वन अपॉन थर्ड सो इसी तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से ये राइट uh, डाउन करते हैं नेक्स्ट वन इज द टॉपिक है आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर व्हाट इज न्यूमिनेटर व्हाट इज द डिनोमिनेटर सो लुकेट हियर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फोर अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन बना है फोर अपोन इलेवन तो ये फोर क्या है व्हाट इज द फोर फोर है न्यूमिरेटर इक्वल पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू इक्वल पार्ट्स यानी कितने पार्ट्स शेड किए हुए हैं आप तस, आ, थर्ड क्लास में है तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने पार्ट शेड किए हुए हैं इलेवन दैट मीन इज डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ द इक्वल पार्ट के टोटल नंबर कितने हैं पार्ट्स के ओके okay? जैसे कि हमने लास्ट में यहां पर देखा था कि ये जैसे कि इस फिगर को ले लेते हैं वन टू थ्री फोर तो फोर तो है टोटल पार्ट्स एंड आपका वन टू है आपके शेडेड पार्ट तो इसका फ्रैक्शन क्या बना टू बाय फोर तो ये टू क्या हुआ यहाँ पर टू हुआ यहाँ पर न्यूमिनेटर एंड फोर हुआ यहाँ पर डिनोमिनेटर सिमिलरली यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ फोर बाय अलेवन फोर है न्यूमिनेटर इलेवन है डिनोमिनेटर एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर पर आ जाते हैं अगर हम रीड द फ्रैक्शन क्योंकि एक्सरसाइजेस जो ये दे रखी हैं आपकी मैं आपको दिखा दू एक्सरसाइज ये आप बुक में से इजीली कर सकते हैं देखिए आपको एट पॉइंट वन में शेड द शेड हाफ द फॉलोइंग फिगर इसमें से आपको हाफ पार्ट को शेड करना है ये तो आप इजिली कर सकते हैं यहां पर देखिए यहाँ पर टू फोर्थ है तो टू फोर्थ टोटल में से टू नंबर आपको क्या करने हैं शेड करने एक्सरसाइज एट पॉइंट टू में हाफ आपको यहाँ लुक एट द पिक्चर बिलो राइट द पार्ट शेडेड इन द वर्ड्स एंड फिगर आपको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं मैंने आपको वर्ड्स में बताया था वन बाय टू को हम क्या कहेंगे हाफ okay? so, uh, uh, यहाँ पे देखिए हाफ वन बाय टू क्वार्टर क्वार्टर वन बाय फोर एंड टू फोर्थ दैट मीनस टू बाय फोर्थ हेयर थ्री फोर्थ थ्री बाय फोर्थ ओके सो दैट इज अब यहां पर देखिए एट पॉइंट थ्री एट पॉइंट थ्री में भी सिमिलर से राइट डाउन द राइट डाउन वॉट पार्ट इज शेडेड कितना पार्ट शेड किया हुआ है यहाँ पर वन पार्ट शेड किया हुआ है टोटल वन टू थ्री फोर सो फोर इज आपको पता है फोर एज ए न्यूमिनेटर आएगा बिकॉज इट बींग रेफर टू टोटल नंबर यहाँ पर ये टोटल नंबर को रेफर कर रहा है ओके यहाँ पे टू बाय एट यहाँ पे देखिए टू बायट तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ओके okay? अब मैं एक्सरसाइज नंबर एट पॉइंट फोर आपको दिखा रही हूँ एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर ए रीड द फ्रेक्शन राइट दिन वर्ड्स आपको रीड करना है फ्रैक्शन को और इसको क्या करना है वर्ड्स में राइट डाउन करना तो वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं लुक एट हेयर जैसे कि आपका है सेवन बाय नाइन हेयर इज अ रिटर्न सेवन बाय नाइन ये फ्रैक्शन बना हुआ है सेवन नाइन सेवन शेडेड पार्ट मान सकते हो नाइन टोटल पार्ट सो इक्वल टू इसको हम लिखेंगे कैसे देखिए सेवन बाय नाइन सेवन बाय नाइन सिमिलरली फोर बाय सेवन है तो फोर बाय सेवन टू बाय सेवन ओके वन बाय नाइन हेयर सिक्स बाय नाइन टू बाय अलेवन ओके सो एक्सरसाइज नंबर अब हम एट पॉइंट एट पे आ जाते हैं एट पॉइंट फाइव में दिखा देती हूँ आपको कि एट पॉइंट फाइव में क्या है मैंने अभी आपको जस्ट ये कवर करवाया था रीड द फ्रिक्शन रेट देम दर्स अब देखिए एट पॉइंट फाइव में दिखा देती हूँ आपको एट पॉइंट फाइव अब यहां देखिए आपको मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिखा रखे हैं बता रखे हैं तो आप फाइव बाय सेवन इज द डिनोमिनेटर यहाँ पर सेवन क्या है आपसे पूछा जा रहा है सेवन क्या है सेवन नीचे पार्ट क्या होता है डिनोमिनेटर सो यू हैव टू राइट